नमस्ते, मैं डॉक्टर मुखोपाध्याय, एक शोल्डर सर्जन विद सक्षम ऑर्थोपेडिक गुड़गांव। हम बात कर रहे थे शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरीज की, टोटल शोल्डर और रिवर्स शोल्डर के बारे में। जो रिवर्स शोल्डर है उसमें क्योंकि हमने रोटेटर कफ पे से डिमांड हटा दिया है एंड हमारा पूरा लोड डेल्टॉइड मसल पे है, हम अर्ली डे वन से फुल मूवमेंट विद स्कैपुलर बैलेंसिंग, शोल्डर ब्लेड बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस के साथ स्टार्ट करते हैं। इसमें हम अच्छा हाथ उठाना, फॉरवर्ड फ्लेक्शन ऑलमोस्ट 130-140 डिग्री तक बहुत जल्द ले आते हैं, अबडक्शन भी अच्छा आ जाता है, रोटेशंस डिपेंडिंग अपॉन आपका रोटेटर कफ मसल किस हद तक डैमेज था हम इजीली अचीव कर सकते हैं। स्ट्रेंथ भी रिकवर हो जाती है क्योंकि इसमें हमारा जो डेल्टॉइड, जो बाहरी बड़ा मसल है, उस पर सारा लोड निर्भर है। जो टोटल शोल्डर होता है जिसको हम एनाटॉमिकल शोल्डर बोलते हैं, उसमें हम रिकवरी थोड़ा स्लो करते हैं, रिहैबिलिटेशन थोड़ा स्लो करते हैं, बिकॉज उसमें हम जो मसल्स हैं उसको प्रॉपरली हील होने तक का वेट करना चाहते हैं। टोटल शोल्डर के भी रिजल्ट्स अच्छे हैं, आप फुल मूवमेंट एंड फुल स्ट्रेंथ ओवर 6 to 8 weeks अचीव कर सकते हैं। यू कैन गो बैक टू प्लेइंग गोल्फ, यू कैन गो बैक टू प्लेइंग टेनिस, यू कैन गो बैक टू स्विमिंग इफ यू वॉन्ट। शोल्डर आर्थराइटिस एक प्रिवेंटेबल कंडीशन है अगर हम स्पेशली रोटेटर कफ आर्थ्रोपैथी अगर हम टाइमली इंटरवीन करें और उसको रिपेयर करें। हेल्दी डाइट मेंटेन करिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस करिए, अपने शोल्डर्स को हेल्दी एंड फिट रखिए। होपफुली आपको हमारे आर्थराइटिस सीरीज से काफी नॉलेज गेन हुआ है। होपफुली आप अपने सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, नेग्लेक्ट नहीं करेंगे और फर्दर डैमेज होने से अपने शोल्डर्स को बचाएंगे। अगर आपको डाउट है तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाइए, एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाइए। एमआरआई से पहले डेफिनेटली एक एक्सरे करवाइए, बेसिक अर्ली स्टेज आर्थराइटिस को रूल आउट करिए एंड समय पर इंटरवेंशन इन द फॉर्म ऑफ सर्जरी, या तो वो रोटेटर कफ रिपेयर या फिर रिप्लेसमेंट सर्जरी जरूरत पड़ने पर करवाइए एंड गेट बैक टू अ एक्टिव हेल्दी लाइफ। थैंक यू।